नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेकटॉक्स के फ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो न्यूज है वो आ रही है वन प्लस की तरफ से। आप सभी को पता है दोस्तों कि आज वन प्लस ने लॉन्च कर दिया है वन प्लस 3T, जो प्राइस दोस्तों है वो शुरू होती है 29,999 रुपीज से। मैं इसको लेके वीडियो पहले बना चुका हूं दिन में, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो अपडेट है निकल के आया है वो ये है कि वन प्लस दोस्तों इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने वाला है जनवरी से वन प्लस 3T के 64GB वाले वेरियंट की। और यहाँ पे दोस्तों दूसरा अपडेट जो है वो ये कि वन प्लस 3 मार्केट में बना रहेगा, बिकता रहेगा। अब ऐसे में आगे चल के क्या पता आपको कुछ डिस्काउंट्स देखने को मिल जाएं, लेकिन फिलहाल के लिए दोस्तों आपको मिलेंगे तीन अलग अलग ऑप्शंस, वन प्लस 3 28,000 रुपए, वन प्लस 3T का 64GB वेरिएंट 30,000 रुपए और वन प्लस 3T का 128GB वाला जो वेरिएंट है वो मिलेगा आपको 35,000 रुपए का। दोस्तों जो अगली न्यूज है वो आ रही है LG V20 के लिए। और यहां पर दोस्तों न्यूज है वो ये कि LG दोस्तों कंप्लीट प्लानिंग कर चुका है V20 के इंडिया लॉन्च को लेकर। और यहां पर दोस्तों जो प्रेस इनवाइट्स है वो भेजने स्टार्ट कर दिए हैं LG ने। जो डेट है दोस्तों वो है 5 दिसंबर की। अब यहां पर दोस्तों पहले एक बार मुंबई बेस्ड महेश टेलीकॉम ने प्राइस लीक कर दी है। उन्होंने बताया है कि जो फोन की MRP होने वाली है वो होने वाली 60,000, लेकिन फोन दोस्तों आपको मिलेगा 54,900 में। अब देखते हैं दोस्तों LG का ये फोन कहां से मिलना शुरू होगा, कब से मिलना शुरू होगा, किस प्राइस पे मिलना शुरू होगा। और ऐसे दोस्तों देश में जो चल रहा है कैश क्रंच, उसके सामने ये जो फोन है दोस्तों ये कैसे टिक पाएगा, क्या लोग इतनी बड़ी अमाउंट LG के इस V20 के लिए दोस्तों एक जगह पे ब्लॉक करने के लिए तैयार होंगे या नहीं। iPhone के सामने या पिक्सल के सामने बेसिकली, या S7H या फिर S7 के सामने V20 दोस्तों कैसे टिकता है, ये आने वाला टाइम ही बताने वाला है। दोस्तों जो अगली न्यूज है वो बहुत ही डराने वाली है। और यहां पे दोस्तों रिसर्च ये कहती है कि हैकर्स आपके क्रेडिट कार्ड या फिर आपके डेबिट कार्ड को दोस्तों हैक कर सकते हैं सिर्फ 6 सेकंड्स में। और दोस्तों यहां पे जो रिसर्च है ये कहती है कि ऐसा नहीं है कि हैकर ने पहले आपको टारगेट बनाया और उसके बाद में आपके अकाउंट को हैक किया। दोस्तों यहां पे हैकर्स बेसिकली किसी भी ऐसे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का जो दोस्तों यूज करता है वीजा पेमेंट सिस्टम को, वहां पे जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड नंबर है, जो एक्सपायरी डेट है, जो सिक्योरिटी कोड है, उसका दोस्तों एक वैलिड कॉम्बिनेशन बेसिकली पता लगा सकते हैं 6 सेकंड में। और यहां पे दोस्तों जो कमी देखने को मिली है वो मिली है सिर्फ वीजा पेमेंट सिस्टम में, क्योंकि होता क्या है नॉर्मली कि मान लीजिए आप किसी वेबसाइट पे अपने कार्ड की डिटेल्स जब एंटर करते हैं तो यहां पे दोस्तों मान लीजिए आपने 2 बार एंटर किया गलत, 3 बार, 10 बार आपने गलत एंटर किया, तो वहां पे दोस्तों आपका जो कार्ड है वो ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन अगर आप अलग अलग वेबसाइट्स पर ट्राई करते हैं तो दोस्तों यहां पे इसकी कोई भी लिमिट नहीं है और जो वीजा सिस्टम है वो यहां पे ध्यान नहीं देता है। और इसीलिए जो हैकर्स हैं दोस्तों वो बारी बारी करते हुए अक्रॉस बहुत सारी वेबसाइट्स पे सारे रैंडम कॉम्बिनेशंस जो है वो ट्राई करते हैं। पहले वो पता लगाते हैं ठीक है कार्ड नंबर सही मिल चुका है, फिर दोस्तों बाद में वो जो है एक्सप्लॉइट करते हैं एक्सपायरी डेट को और उसके बाद में फाइनली सिक्योरिटी कोड, और उनको दोस्तों मिल जाता है एक कंप्लीट कार्ड की डिटेल जहां पे वो उससे जो चाहे वो बाद में कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि जो वीजा पेमेंट सिस्टम है दोस्तों वो इस अपनी गलती को सुधारे, ठीक से अपने सिस्टम को काम में लेके आए, जिससे दोस्तों हमारे जो कार्ड्स हैं वो सिक्योर बने रहें। दोस्तों जो अगली न्यूज आ रही है वो आ रही है स्पेस एक्स की तरफ से। और यहां पे दोस्तों जो अपडेट है वो ये कि स्पेस एक्स का जो फैल्कन 9 रॉकेट है वो दोस्तों उड़ान भरेगा एक बार फिर से 16 दिसंबर को। दोस्तों अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों सितंबर के महीने में यहां पे आग लग गई थी, बेसिकली ब्लास्ट हो गया था। अब वो दोस्तों हुआ था बेसिकली जो फ्यूल टैंक वगैरह था वहां पे कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि जो प्रॉब्लम वो दूर हो चुकी है। तो एक बार वापस से दोस्तों आसमान में उड़ान भरेगा। अब इसके बाद में बहुत सारे प्लान्स हैं यहां पे, कुछ नासा के साथ में मिलकर डील्स हुई हैं, कुछ और थर्ड पार्टी कंपनीज जो है उनके साथ में मिलकर डील्स हुई हैं स्पेस एक्स की तरफ से। तो देखते हैं कि आगे चल के दोस्तों कैसे ये आगे स्पेस में अपना नाम रोशन करता है और क्या पता हमें दोस्तों आगे जाके ये मंगल तक पहुंचा दे। दोस्तों जो अगला अपडेट है वो आ रहा है फेसबुक की तरफ से। और यहां पे दोस्तों फेसबुक जो है वो डेवलप करने वाला है या बेसिकली डेवलप कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स को, जो दोस्तों ऑटोमेटिकली फ्लैग कर सकते हैं किसी भी ऑफेंसिव लाइव स्ट्रीम को। अब आप सभी जानते हैं दोस्तों कि फेसबुक में जो लाइव स्ट्रीम है वो कोई भी कर सकता है, और ऐसे में उन स्ट्रीम्स को दोस्तों मॉनिटर करना बहुत ही जरूरी बन जाता है कि कोई मान लीजिए इंसान किसी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट को फ्लैग करे, उससे पहले ही दोस्तों फेसबुक के पास में ऐसे सिस्टम्स होने चाहिए जो डिटेक्ट कर सकते हैं कि अच्छा वो जो लाइव स्ट्रीम है वो किस बारे में है, और अगर वहां पे दोस्तों जरा सा भी कुछ ऑफेंसिव है तो फेसबुक उसको डायरेक्टली ऑटोमेटिकली फ्लैग
कर पाए। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि AI किस तरीके से काम करेगा, और ऐसे में उम्मीद है कि हमें थोड़ा सा और नीट एंड क्लीन फेसबुक देखने को मिल जाएगा। दोस्तों जो अगली न्यूज है वो आ रही है जियो के हैप्पी न्यू ईयर ऑफर के लिए। हम सभी इसको लेकर काफी खुश हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि 1 GB बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी फ्री में जितना मिल रहा है उसके बारे में कंप्लेन जो है वो करने से कोई फायदा नहीं है। और यहाँ पे दोस्तों लेकिन जो ट्राई है वो ये कहता है कि वो इस ऑफर को एग्जामिन करने वाला है, किसी भी और ऑफर की तरह बेसिकली ट्राई इस ऑफर को भी एग्जामिन करेगा, और एक बार वो अपनी क्लियरेंस देगा उसी के बाद दोस्तों एक्चुअल में रिलायंस इसको इम्प्लीमेंट कर पाएगा। हालांकि ये सब होती दोस्तों फॉर्मेलिटीज ही है, लेकिन फिर भी सबके मन में धक धक चल रहा है कि क्या पता ट्राई कहीं अड़ंगा ना लगा दे बीच में, क्या पता हमारा जियो छलना बंद ना हो जाए। तो देखते हैं दोस्तों कि ट्राई की तरफ से क्या जवाब देता है, और उसके बाद में आप आराम से यूज कर पाएंगे जियो के हैप्पी न्यू ईयर ऑफर को। दोस्तों जो अगली न्यूज है वो आ रही है इंडिया के एक एक्सपर्ट की तरफ से दोस्तों, जिनका नाम है हेमंत जोसेफ। ये है केरला के, और ये दोस्तों एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, और इन्होंने दोस्तों फिलहाल iOS 10.1 में एक बग को ढूंढ के निकाला है, जहां पे दोस्तों एक iPad में उन्होंने जो एक्टिवेशन लॉक होता है उसको बाईपास करके दिखा दिया। हालांकि Apple ये क्लेम करता है कि iOS 10.1.1 में इस बग को दूर कर लिया गया है, लेकिन वहां पे भी दोस्तों सेम तरीके से ये जो बग है ये काम करता है। और इन्होंने क्या किया है कि किसी भी दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि iPhone या फिर iPad में जब उसमें लॉक लग जाता है, जब आपको आपकी Apple ID डालनी ही पड़ती है, तो उसको दोस्तों बाईपास करने के लिए उन्होंने जब स्टार्टिंग में आता है आपको वाईफाई नेटवर्क चूज करने का ऑप्शन, तो वहां पर उन्होंने चूज किया WPA2 और मैनुअली दोस्तों उन्होंने एंट्रीज डाली। और यहाँ पे सिस्टम में कोई भी लिमिट नहीं थी कि ये कितने भी कैरेक्टर्स डाल सकते, तो ऐसे उन्होंने 1000-2000 तरह तरह के रैंडम जो है कैरेक्टर्स वो डाल दिए दोस्तों यहाँ पे नेम में पासवर्ड वगैरह में। और उसके बाद में दोस्तों जो सिस्टम है वो क्रैश हो गया और डायरेक्टली दोस्तों इनको लेके चला गया सिस्टम के होम पेज में। तो ये एक बग है, और देखो आगे किस तरीके से एप्पल इसको फिक्स करता है, क्योंकि ऐसे अगर हैक होने लग जाए तो बाद में तो फिर कौन किसको क्या पैसे देगा, सब लोग लगाएंगे वाईफाई का पासवर्ड कर लेंगे हैक एक्टिवेशन लॉक को बेसिकली बाईपास। दोस्तों जो अगली न्यूज है वो आ रही है आपके फेवरेट फोन, अगर आपने नाम सुना हो तो सपने कर देंगे सच, सपने सच कर देंगे। ये है दोस्तों फ्रीडम का 251, और यहाँ पर दोस्तों फोन तो आया नहीं, फोन तो रह गया सपनों में। स्टार्टिंग से बोल रहे थे ऑनलाइन देंगे, ऑफलाइन देंगे, कैश ऑन डिलीवरी देंगे, 50,000 देंगे, 1,00,000 देंगे, 2,00,000 देंगे। दोस्तों फोन तो बिल्कुल भी मिला नहीं, और यहाँ पर दोस्तों एक तरीके से सपनों में रह गया फोन, रियलिटी कभी बन नहीं पाया। लेकिन दोस्तों रिंगिंग बेल्स के जितने भी दोस्तों यहाँ पे मेंबर्स हैं, बेसिकली जो भी साइनिंग अथॉरिटीज हैं, उनको दोस्तों समन किया है कोर्ट ने 2 करोड़ रुपए के एक चेक बाउंस केस के अंडर। तो ऐसे में देखते हैं दोस्तों कि रिंगिंग बेल्स का फ्यूचर क्या होगा, क्या आगे निकल के आता है। फिलहाल के लिए तो ये दोस्तों पैसा नहीं दे पाए, इनके पास फंड्स नहीं थे, उन्होंने चेक काटा होता 2 करोड़ रुपए का। देखो क्या होता है, सपने में कुछ भी हो सकता है। सर जो अगली न्यूज है वो आ रही है सैमसंग की तरफ से, और यहाँ पर दोस्तों लेटेस्ट पेटेंट्स हैं वो ये सजेस्ट करते हैं कि सैमसंग दोस्तों प्लान कर रहा है आई ट्रैकिंग और फेशियल एक्सप्रेशन को पता लगाने वाले, बेसिकली उसके बेस पे काम करने वाले दोस्तों VR के ऊपर। अब यहाँ पे बेसिकली आप VR को जब भी कंट्रोल करते हैं तो या तो आपको कहीं पे टच करना है, या आपको कोई बटन प्रेस करना है, या आपके हाथ में होना चाहिए कंट्रोलर। लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि वहां पे दोस्तों अगर आपकी आईज को ट्रैक करते हुए VR का जो सिस्टम है वो अगर रिस्पॉन्ड करे तो वो कितना कमाल का होगा। और न सिर्फ आईज, अगर वो सिस्टम दोस्तों आपके फेशियल एक्सप्रेशन को भी ट्रैक करे और उसके बाद में उसके अकॉर्डिंग सामने अपना फीडबैक दे, तो ये दोस्तों बहुत ही कमाल की बात होगी। और यहाँ पर दोस्तों सैमसंग ऐसा ही कुछ प्लान करने वाला है, जो पेटेंट्स हैं दोस्तों उनसे तो यही लगता है, और क्या पता आगे चल के 2017 में आपको सैमसंग की तरफ से ऐसा ही कोई कमाल का VR सिस्टम देखने को मिल जाए। दोस्तों जो अगली न्यूज है वो बहुत ही कमाल की है, और यहाँ पे दोस्तों आपने सुना है जीरो एमिशन कार्स के बारे में, जीरो एमिशन बाइक्स के बारे में, लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक कंप्लीट फुल साइज ट्रक है जिसका नाम है निकोला 1, और ये दोस्तों एक जीरो एमिशन ट्रक है जो बेसिकली हाइड्रोजन के थ्रू पावर अपनी लेता है। और यहाँ पे दोस्तों जो ट्रक है वो बहुत ही कमाल का है, इसमें लगा है 1000 हॉर्स पावर की ताकत वाली जो मोटर्स हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको इसके अंदर ऑप्शन मिलता है, आप चाहे तो सिंगल बेड लगा सकते हैं, आप चाहे तो डबल बेड लगा सकते हैं। आपको दोस्तों यहाँ पे 40 इंच का एक कर्व टीवी मिलता है, एप्पल टीवी मिलता है, वाईफाई है, रेफ्रिजरेटर है, माइक्रोवेव वगैरह है, और जो रेंज है दोस्तों इसकी वो है 1200 माइल्स की। मतलब इतनी लंबी रेंज कि आप मतलब कहीं से भी कहीं पहुंच सकते हैं, और यहां पे दोस्तों काम करता है हाइड्रोजन पे, तो ये बहुत ही कमाल की बात है। हालांकि फिलहाल के लिए कॉन्सेप्ट है, लेकिन दोस्तों क्या पता मार्केट में आए। तो यहां पे जो भी हम बात करते हैं एमिशंस की डीजल ट्रक्स वगैरह से, दोस्तों उनके कंपैरिजन में बहुत क्लीन, आपको बिल्कुल एकदम क्लीन जो है वो यहां पे ट्रांसपोर्ट का सिस्टम देखने को मिल जाएगा। तो ये दोस्तों बहुत ही कमाल की बात है।
दोस्तों जो अगली न्यूज है वो है एक और जीरो एमिशन पैसेंजर एयरक्राफ्ट के लिए, जो नाम है दोस्तों वो है HY4। और यहाँ पे भी दोस्तों सेम तरीका है, बेसिकली हाइड्रोजन से पावर मिलती है, जो फ्यूल सेल उनको दोस्तों यहाँ पे यूज किया गया है। 4 सीटर ये एक बहुत ही अजीब से डिजाइन का दोस्तों एयरक्राफ्ट है, और ऐसे में दोस्तों ये भी 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता है 1500 किलोमीटर तक। तो देखते हैं कि आगे चल के क्या पता ये भी दोस्तों बहुत ही जल्दी रियलिटी बन जाए। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने दोस्तों इस वीडियो को अभी तक लाइक या शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसे ही वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।